हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। जीआर एलईडी लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूँ। तुम्हारी आवश्यकता कब कब पड़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, मैं जिस योग की शिक्षा तुम्हें प्रदान कर रहा हूं, सबसे पहले कल्प के आदि में मैंने यही योग सूर्य को बताया था। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम व्ययम्, विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत। पार्थ, सूर्य ने इस योग को अपने पुत्र मनु से कहा। और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कहा। हे अर्जुन, इस प्रकार परंपरा से प्राप्त इस योग को राज ऋषियों ने जाना। परंतु बहुत समय से यह योग इस लोक से लुप्त हो गया है। आज यही पुरातन योग मैंने तुझसे कहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो और सखा भी, इसलिए मैं तुम्हें यह गुप्त ज्ञान प्रदान कर रहा हूं। हे केशव, तुम तो कह रहे हो कि तुमने यह योग सूर्य से कहा था, परंतु तुम्हारा जन्म तो इसी काल में हुआ है और सूर्य का जन्म तो पुराना है, फिर तुमने यह योग सूर्य से कैसे कहा? हे अर्जुन, इस मृत्युलोक में तुम्हारे और मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं और आगे भी होते रहेंगे। मैं भी अनेक बार इस मृत्युलोक पर अवतरित होता रहता हूं, परंतु तुम अज्ञान के कारण इस रहस्य को जानते नहीं हो और मैं दिव्यत्व के कारण जानता हूं। परंतु हे अर्जुन, मेरा जन्म साधारण प्राणियों की भांति नहीं होता। मैं अविनाशी हूं और अजन्मा भी हूं। मैं समस्त भू प्राणियों का ईश्वर हूं, इसलिए मेरा जन्म प्राकृत मनुष्यों के सदृश नहीं है। मैं प्रकृति को आधीन करके अपनी योग माया के द्वारा प्रकट होता हूं। मधुसूदन, तुम सर्वेश्वर हो, समस्त चराचर के स्वामी हो, त्रिलोकपति हो, फिर तुम्हें मृत्युलोक पर जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? मुझे आवश्यकता नहीं, परंतु जब जब मृत्युलोक के प्राणियों को मेरी आवश्यकता पड़ती है, तब तब मैं भूलोक पर अवतरित होता हूं। तुम्हारी आवश्यकता
कब कब पढ़ती है केशव? यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानम सृजाम्यहम्। जब जब सत्य और धर्म की हानि हो जाती है और अधर्म और असत्य की वृद्धि हो जाती है तथा पाप का साम्राज्य स्थापित हो जाता है, तब तब मैं अपने को प्रकट करता हूं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मेरे अवतार धारण करने के तीन कारण होते हैं। पहला, आततायियों द्वारा पीड़ित साधु पुरुषों का उद्धार करना। दूसरा, दुष्टों का नाश करना। और तीसरा कारण है धर्म की पुनः स्थापना करना। इन्हीं कार्यों के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूं। मेरे जन्म और मेरे कर्म दोनों दिव्य हैं। जो प्राणी इस तत्व को जान जाता है, वो प्राणी जब अपने शरीर का त्याग करता है तो उसे पुनर्जन्म लेना नहीं पड़ता, वो सीधा मुझे ही प्राप्त होता है। हे केशव, मेरे मन में ये जानने की तीव्र जिज्ञासा है, किस कृष्णा अवतार से पहले तुमने कब कब और क्यों अवतार धारण किया? अपना शिष्य तथा अपना सखा समझकर मेरी जिज्ञासा का उत्तर दो। हे अर्जुन, इस कल्प के आदि में सर्वप्रथम मैंने मत्स्य रूप में अवतार धारण किया था। उस समय मैंने सप्त ऋषियों की नाव को प्रलय के समुद्र में डूबने नहीं दिया, क्योंकि वो ऋषि पुरातन संस्कृति और पहली सृष्टि के बीजों को लेकर नए कल्प में उनका विकास करने वाले थे। तत्पश्चात समुद्र मंथन के समय जब मंद्राचल पर्वत स्थिर नहीं रह सकता था, तो मैंने कूर्म रूप धरकर उसे अपनी पीठ पर धारण किया, ताकि देवता और दैत्य मिलकर सागर में से अमृत प्राप्त कर सके। फिर जब दैत्य अमृत का घड़ा देवताओं से जबरदस्ती छीनकर ले गए, तो देवताओं की सहायता के लिए मैंने ही मोहिनी रूप भी धारण किया था। उसी समय मैंने राहु दैत्य का भी वध किया था। हे पार्थ, अधर्मी हिरण्याक्ष का नाश करने के लिए मैंने ही वराह अवतार लिया था। मैंने ही अपने परम भक्त बालक प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह अवतार धारण किया था। हे पार्थ, मैंने ही वामन अवतार धारण करके असुर राज बलि से 3 पग धरती मांगी थी। हे राजन, हमें यज्ञशाला के लिए थोड़ी सी भूमि की आवश्यकता है, सो आप कृपा करके मुझे उतनी भूमि दें जितनी मैं अपने पैरों से 3 डग में नाप सकूं, तो बस मैं संतुष्ट हो जाऊंगा। मैं महात्मा प्रहलाद का पौत्र और महाराज विरोचन का पुत्र बलि प्रतिज्ञाबद्ध होकर संकल्प करता हूं कि ब्राह्मण पुत्र वामन के इच्छित 3 पग धरती दान करता हूं। पग में तो मैंने सारी त्रिलोकी नाप ली, एक पैर से भूलोक, दूसरे पैर से स्वर्गलोक नाप लिया है, तीसरा पग रखने के लिए तुम मुझे कोई स्थान नहीं दे सकते। आप अपना तीसरा पैर मेरे सर पर रखिए।
और जब रावण ने पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया था तब मैंने ही त्रेता युग में राम अवतार धारण किया था। धर्म की मर्यादा भंग करने वाले पापी, तेरे समस्त पापों का दंड आज तुझे अवश्य मिलेगा। मेरे इस दिव्य और अलौकिक स्वरूप को ज्ञानी मनुष्य जानते हैं और मेरे बताए योग का आचरण करके मोक्ष प्राप्त करते हैं। वाह प्रभु वाह। बहती रहेगी इच्छा की गंगा, कर्म की धारा, भक्ति की धारा, अर्जुन के संग उस गंगा में करता रहा स्नान जग सारा, करता रहा स्नान जग सारा। सब धर्मों के भेद भुला के एक मेरा शरणागत हो जा, मैं हर पाप से मुक्ति दूंगा, शोक न कर मेरी भक्ति में खोजा, शोक न कर मेरी भक्ति में खोजा। धर्म अधर्म के भेदों से न्यार है, अमर है गीता की बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ Krishna, 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 Krishna.